आज की अयोध्या फिल्म की लॉन्चिंग मुंबई के दहीसर चेकनाका के एलोरा स्टूडियो में की गई। इस मौके पर फिल्म के स्टार कास्ट समेत प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म से जुड़े लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि बाबू मोशाय बंदूकबाज में अच्छी खासी सुर्खियां बटोरने के साथ ही साउथ के फिल्मों के हॉट अभिनेत्री श्रद्धा दास मुख्य नायिका के रूप में इस फिल्म में नजर आएंगी। तो वहीं दूसरी ओर टीवी पर कई भूमिकाएं निभा चुके बिग बॉस 10 के विजेता मनवीर गुर्जर बतौर मुख्य नायक के किरदार में इस फिल्म में भूमिका निभा रहे हैं। इस मौके पर आज की अयोध्या फिल्म के एक्टर मनवीर गुर्जर, अभिनेत्री श्रद्धा दास, प्रोड्यूसर अनंत कुमार, डायरेक्टर नरेश दुदानी और को प्रोड्यूसर दीपक कुमार ने क्या कुछ कहा, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वापसी में गया ही नहीं था पहली बात तो कहीं, लेकिन वापसी एक साल बाद हो या दो साल बाद, लेकिन धमाकेदार होनी चाहिए और यही वो धमाकेदार है कि आप लोग आए हो और मेरे मूवी का पहला दिन है। तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा था कन्फर्म होने के लिए और शूट होने के लिए, जिसके लिए मैंने काफ़ी जितनी बार मैं मीडिया के सामने आया हूँ मैंने बोला है कि कोई चल रहा है, कुछ बॉलीवुड का चल रहा है। तो ये आज की अयोध्या जो कि आज से स्टार्ट हुई है और जल्दी ही आपको इसी साल में ही आपको देखने को मिलेगी। मनवीर गुर्जर जी, अयोध्या का नाम लोगों के जहन में आते ही रामराज की जो है लोग कल्पना करने लगते हैं, तो क्या लगता है कि इसमें आपका किरदार जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कुछ मिलता जुलता है? देखो ना, अभी क्या हो गया ना, अयोध्या को लोगों ने इतना एक तरह से इस नाम को लोग हर तरह यूज़ कर रहे हैं, गलत भी सही भी, और मंदिर बनाने के लिए भी, मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन ये नाम और राम का नाम और अयोध्या का नाम, ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको ना हम किसी भी जाति से, धर्म से, इनसे उनसे नहीं जोड़ सकते। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अयोध्या उसी के बारे में है, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको सिमिलर घुमाते फिराते एक एक पॉइंट पर लेके जाएगी जो हम दिखाना चाह रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप जो अयोध्या सोच रहे हो, बट हाँ कहीं ना कहीं जो आप अभी राम जी के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रभु राम के बारे में और रामायण के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा डाला है कि आपको फील भी आए अयोध्या का और आपको वो मैसेज भी मिले जो हम देना चाहते हैं। यानी इस फिल्म से कहीं ना कहीं हमें राम राज्य का मैसेज मिलेगा समाज को? सर अभी पहला सवाल भी आपका वही था, मैं ये नहीं कहूँगा राम राज्य का मिलेगा। राज्य तो देखो ये हमारी सोच है, आप जो चाह रहे हो, आप जो करना चाह रहे हो आप करोगे, या वो कोई भी राज्य हो, वो राम राज्य हो या कोई भी राज्य हो। तो मैं इसको पॉलिटिकल या कहीं इधर उधर नहीं लेके जाऊंगा, बट हम जो दिखा रहे हैं ये नाम एक ऐसा है कि जैसे आपने भी पकड़ लिया नाम, तो नाम और एक स्टोरी हम दिखाएंगे एक ऐसी, एक गांव की और उसकी उसके डेवलपमेंट की तरफ की और उसके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनके लोगों की, तो वो अब क्या करते हैं, कैसे अपने गांव के लिए क्या करना है, कैसे करना है, एक ये भी तरीका हो सकता है अपने गांव को दिखाने के लिए। तो इसका मुझे नहीं लगता कहीं तक, जहां तक मैंने अभी तक स्क्रिप्ट पढ़ी है, कि राम राज्य से कोई रिलेशन है। आपके नज़रिए से देखा जाए तो आज की अयोध्या कैसी होनी चाहिए? अगर मेरे नज़रिए से देखे जाए तो देखो, यहाँ सबको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक होना चाहिए और ये ना ये इंडिविजुअली सोचना चाहिए बंदे को कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। आप किसी को फोर्सफुली कोई एक कानून बना के कुछ भी एक चीज़ ऐसी लागू करके, कोई बाउंडेशन करके ये नहीं बोल सकते कि ये मत करो वो मत करो, क्योंकि यहाँ सब अपना खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना रह रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये हर इंडिविजुअल को, हर पर्सन को ये सोचना चाहिए कि हमारी आज की अयोध्या कैसी होनी चाहिए। यार आप उठ रहे हो, अपने फैमिली के साथ हो, खाओ पियो, काम करो, अपने बच्चों को देखो, अपनी फैमिली को देखो, आसपास की सोसाइटी को देखो, इन्हीं में बिजी रहोगे तो हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। लेकिन जहाँ ये जा रहा है, जो आपका क्वेश्चन आपने जिस हिसाब से मारा है, अगर मैं बताऊँ जहाँ ये जा रहा है, इन सब चीज़ों को छोड़ के, तू मेरा नहीं है, मैं तेरा नहीं हूँ, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानता, हम एक ही कंट्री में रह के ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो ये मुझे लगता है गलत है। जी बिल्कुल, बात कीजिए ऑन लोकेशन शूट की, तो मुंबई में आप यहाँ पे ऑन लोकेशन शूट कर रहे हैं जी, तो इसकी शूटिंग्स और कहाँ कहाँ आप करने वाले हैं और कितनी शूटिंग? ये देखो, जो बिल्कुल फैक्ट है, जो रियल फैक्ट है, वो तो आपको ये हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही बता सकते हैं, बट जो थीम हमने लिया है वो एक गांव का है और एक स्टोरी जो घूमती है वो पूरे एक गांव के आसपास घूमती है जो कि ढंग से डेवलप भी नहीं है। तो इसके लिए हम शायद अभी बनारस जाएं, तो जो यहाँ का शूट है वो एक दो दिन का शूट है और अभी अभी हम, जैसा आपने बोला, मुंबई में है, तो आज पहला दिन था और मुंबई से स्टार्ट है।
तो इससे बढ़िया बात क्या है? किरदार की बात कीजिए, किरदार के बारे में कुछ शेयर करना चाहते, किस टाइप का किरदार रहेगा? अगर मैं देखो ज़्यादा तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं जो इसमें प्ले कर रहा हूँ रोल, वो रुद्र का कर रहा हूँ। और एक लड़का है जो गांव से गया है और बाहर जॉब करता है और फिर वापस आके अपने गांव की हालत देखता है, तो उसके लिए कोशिश करता है काम करने की, बोलूँगा कोशिश करता है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो काम करेगा ही करेगा। तो कुछ है चीज़ें थोड़ी मतलब ऐसा बनाए कि हास्य भी हो और लोगों को मैसेज भी पहुँचे और लोगों को रामायण भी देखने को मिले। आपके नज़रिए से राम मंदिर बनना चाहिए? सर ये तो क्वेश्चन मैं बताऊं, आप इसका जवाब तो आपको जो लोग बैठे हैं ना ऊपर हेड, वो नहीं दे सकते, तो इससे तो मुझे दूर ही रखें। राम मंदिर बनाना है पहले तो यहाँ बनना चाहिए, यहाँ बन गया तो सब जगह बन गया, कोई भी जा रहा है मैं भी निकल रहा हूँ, हम सब हाथ जोड़ते हैं और जहाँ मंदिर मिले वहाँ हाथ जोड़ दो। तो मेरे लिए तो वही मंदिर है जहाँ आपका काम चल रहा हो, वो मंदिर। इस फिल्म के बाद आप कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करना चाहेंगे? सर इस मूवी के लिए मैं पिछले एक साल से बोल रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि क्या होता है ना इस इंडस्ट्री में अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं, तो जैसा ये मिला है ऐसे ही मैं आगे भी रिवील करूँगा जैसे जैसे मिलता रहेगा, क्योंकि मेरा कोई मैंने बताया ना मैं थोड़ा रिजर्व टाइप और ये इनके दूर रहने वाला बंदा हूँ, बट अब आ गया हूँ इनके सामने तो चलेगा। तो जल्दी इसी साल एक दूसरा भी मिलेगा आपको सुनने को, जैसी ये रिलीज होगी तो दूसरा। थैंक यू। बात की जाए तो आपका जो नाम है इंटरेशन, आप सेलेक्ट के कैटेगरी में एक बिग बॉस की बहुत बड़ी रैंक है आपकी लाइफ जी, तो आप उसके बाद किस तरह से मिले, किस फिल्म से जुड़े, उसके बारे में क्या कहना? अच्छा मैं इसकी स्टार्टिंग बता दूँ आपको। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि बिग बॉस जीतने के बाद मैं ट्रेवल कर रहा था दिल्ली के लिए, तो अनंत जी जो इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं वो मुझे मिले और हम लोग ऐसी नॉर्मल बात कर रहे थे फैमिली की, वो मेरी कुछ तारीफ बिग बॉस की और ये वो। तो कुछ दिन बाद उनकी कॉल आई और उस दिन भी उनकी बात हुई कि मैं एक ऐसी ऐसा मूवी सोच रहा हूँ यूपी के बेस पे और ये वो, संजय मिश्रा जी मूवी में हैं, उनसे भी इनकी बात हुई, तो फिर इन्होंने मुझे फाइनल किया, एक दो दिन बाद ही हमारी बात हो गई। तो मूवी की स्क्रिप्ट मैंने उस टाइम पढ़ी, कुछ पूरी थी कुछ नहीं थी, बट मेरे को अच्छी लगी। द होल प्लॉट वो आपको एक मैसेज दे रहा है, तो मूवी में अगर ये चीज़ है तो फिर इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। ये तो सबको मैं हैट्स ऑफ है, सल्यूट है, जो भी आए हैं बिग बॉस में और जो निकल गए हैं और जो रुके हुए हैं लास्ट फोर। और मैं ये नहीं बोलूँगा या मैं ये नहीं मानता हूँ कि अब ये कॉमनर वर्सेस सेलिब्रिटी है या कॉमनर सेलिब्रिटी वाला सीन है, जो अंदर पहुँच गया है वो सब सेलिब्रिटी हैं। ये तो लोगों ने जो नहीं पहुँच पाते या जो बाहर बैठे हैं वो लोग कुछ ना कुछ बोल के और ये डिफरेंस लेके आते रहते हैं। अभी आप बंदगी से पूछो क्या नहीं करना है, तो वो सेलिब्रिटी तो बन चुके हैं। अब रही लास्ट फोर की बात, तो जितना मैंने देखा है मैंने विकास को बहुत पॉजिटिव पाया है, एंड आई एम रूटिंग फॉर विकास गुप्ता, कि अभी 3-4 दिन बचे हैं तो मैं चाहूँगा कि विकास जीते। और आप सबके ऊपर है जो भी लोग देख रहे होंगे कि जिनको जो अच्छा लगता है उसको सपोर्ट करो, आप किसी को लाइक कर रहे हो तो उसकी कोई क्वालिटी तो आपको पसंद होगी, तो जैसा जिसकी मर्जी। हमारी मुलाकात भी हुई है एक बार, बट मैंने उनको भी कुछ बताया नहीं था इसके बारे में कि ये मूवी, एक बार मूवी कंप्लीट हो जाए फिर भाई से बात करते हैं, अगर टाइम होगा तो ज़रूर, उनके पास तो खुद ही मतलब इतना सारा काम है कि मिलने का भी टाइम नहीं है। तो ये बात अच्छी बोली आपने, सही याद दिला दिया, तो एक बार अगर पूरा कंप्लीट हो जाए और सब कुछ आ जाए डेट वगैरह तो करेंगे, भाई भी करेंगे। मनवीर जी एक मतलब बहुत सारे कि इस मूवी में इतना है, इस मूवी में इतना है, बट आई वॉज वेटिंग फॉर प्रॉपर कि जहाँ मुझे सीखने को मिले। दिखना तो बहुत दूर की, देखने को तो लोग मुझे देख चुके हैं, बिग बॉस में देख चुके हैं, खतरों के खिलाड़ी में देख चुके हैं, वैसे भी कहीं ना कहीं आता रहता हूँ, बट मुझे सीखने को मिले अभी संजय मिश्रा जी के साथ और एक दो और बड़े लीड वालों से बात चल रही है, तो मेरे लिए तो ये बहुत, मुझे छोटे पर्दे ने बनाया है और मैंने कभी मना नहीं किया है। मैंने जैसे मैंने अभी जैसे बोला ना कि आई वॉज वेटिंग कि मेरे लिए कुछ ऐसा है जिसमें मुझे सीखने को मिले, और छोटे पर्दे से मुझे हैं ऑफर, बट अभी मेरी प्रायोरिटी, मैं दोनों हाथों में लड्डू वाला भी इंसान नहीं हूँ, अभी मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैंने ये प्रोजेक्ट लिया है मैं इसको ख़त्म करूँ, रिलीज़ हो और ऊपर वाले की दया से बढ़िया तरीके से मूवी जाए, आप लोगों के आशीर्वाद से, है ना। और फिर अगर देखो काम अच्छा होगा टीवी पे तो टीवी पे भी दिखूंगा, ऐसा कुछ है नहीं कि बड़े पर्दे से लोग छोटे पर्दे पे आ गए, तो देखा जाएगा। अच्छा फील कर रही हूँ, एंड क्योंकि लास्ट फिल्म जो थी बाबू मोशाय बंदूकबाज, उसमें मैंने एक भोजपुरी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का रोल किया था, तो उससे ये कम्प्लीटली ऑपोजिट है, क्योंकि वो बहुत लाउड और क्रास किस्म का कैरेक्टर था और ये एकदम ही सुलझी हुई लड़की है जो मतलब
मतलब बहुत डिसेंट है, वैसी नहीं है जैसे उस फिल्म में थी। तो अच्छा लग रहा है कि एकदम ही ऑपोजिट रोल कर रही हूँ नेक्स्ट फिल्म में। मैम आज के उद्धार की बात की जाए तो आज के उद्धार का नाम जहन में आते ही लोगों को एक नहीं, मैं बस उस वो जो रामलीला होती है उस फिल्म में उसको सक्सेसफुल बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ होता है। पूरी टीम के लिए जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर और जो आपके साथ है जो एक्टर काम कर रहे हैं उनके तरफ उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वेल आई थिंक कि मनवीर का की फर्स्ट फिल्म है आफ्टर बिग बॉस, तो एंड ये कैरेक्टर जो है वो उसको बहुत सूट करेगा। जो मैंने खुद बिग बॉस देखा हुआ है, मैंने उसके ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स देखे हुए हैं, तो मैं जानती हूँ कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है थी बिग बॉस में, और जो उनको ये जो कैरेक्टर मिला है ये उससे ये उनके लिए बहुत आसान होगा करना। आपको प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करना चाहेंगे जो आपको कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में शेयर करना चाहेंगे? नहीं, एज ऑफ नाउ मैं यही फिल्म कर रही हूँ, और एक सुजॉय घोष की फिल्म है जो रिलीज होगी, उसका नाम है मिर्ची माली, जिसका मैं शूट ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आज अभी जो शूट हुआ है आपका कौन कौन सा आपका कौन सा किरदार शूट हुआ है? अभी तक मेरा फर्स्ट शॉट लिया ही नहीं गया है, मेरा फर्स्ट शॉट यहाँ पे हो रहा है, तो आई थिंक एक मॉन्टाज है आई थिंक ऑफिस का वो है सॉन्ग का। बाबू मोसाय वही कहा कि बेसिकली उसका कंप्लीट ऑपोजिट है, क्योंकि वो जो किरदार था वो बहुत ही ज़्यादा लाउड थी, भोजपुरी एक्ट्रेस थी, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, एंड जिस तरह से वो बात करती थी या कपड़े पहनती थी या मेकअप करती थी या जैसी भी थी वो बहुत ही भड़कीला था, और ये जो है एकदम ही सुलझी हुई लड़की है, डिसेंट है बहुत ज़्यादा, और एकदम ही उसका ऑपोजिट है, इवन जो लुक है हर चीज़। बाबू मोसाय में जो आप बाबू मोशाय के लिए तो मुझे बेसिकली उन्होंने कोई वर्कशॉप तो नहीं किया था, उन्होंने मुझे मेरा लुक टेस्ट स्क्रीन टेस्ट लिया था, क्योंकि नवाज सर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन था उसमें, और जो गाना हुआ था वो लास्ट मिनट ऐड हुआ था, तो मैं एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि नवाज सर जैसे एक्टर के सामने बहुत डर लगता ही है हमेशा, कोई भी हो, चाहे आपने मैंने कुछ 25 फिल्में साउथ में की होगी, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सब भूल चुकी हूँ उनके सामने आके, तो वो थोड़ा सा आई थिंक वो मेरे लिए सब बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था वो फिल्म एज एन एक्टर, बट एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत अच्छा निकला। आप साउथ से सबसे फनी बात है कि मैं साउथ में ज़्यादा काम कर चुकी हूँ, यहाँ पे मुझे नॉर्थ इंडियन कैरेक्टर्स मिले हैं, लेकिन मैं बंगाली हूँ तो हर तरफ से वे हो चुका है, लेकिन आपका क्वेश्चन ये था कि मुझे कैसा लगता है नॉर्थ इंडियन कैरेक्टर्स करने में। देखिए मेरी मम्मी यूपी से है, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा बहुत यू नो वो बरेली से है यूपी से, तो उनकी वजह से जो हिंदी है वो मेरी बंगालियों जैसी साउंड नहीं करती है, बहुत शुद्ध है, और इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है बिल्कुल भी हिंदी में बात करने में, और ये जो कैरेक्टर्स है उस वजह से मेरे लिए थोड़े बहुत आसान हो जाते हैं बहुत। ये आई थिंक मेरे लिए शायद आसान हो ये कैरेक्टर करना, क्योंकि एक तो पहली बात इसमें मुझे ऐसी ही शुद्ध ऐसे ही हिंदी में बात करनी है, मुझे बाबू मोशाई में थोड़ी बहुत बिहारी वर्ड्स यूज़ करने थे, तो वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, लेकिन इसमें तो कैरेक्टर जो है थोड़ा बहुत रिलेटेड, तो यही मैं कहना चाहूँगा मैं कि ये आज की अयोध्या जो मैं फिल्म बना रहा हूँ मैं ये बहुत देखो मैं कोई मुद्दे का भी बात नहीं करूँगा कुछ नहीं, मैं एक ऐसे बोलूँगा कि ये मेरी बहुत डिफरेंट फिल्म है, और मैं आप सबको क्लियर करता हूँ कोई अयोध्या से कोई रिलेटिव नहीं है कुछ, ये सटायर कॉमेडी फिल्म है, हमने सिर्फ राम राज्य के लिए एक गांव के लिए हम लोग प्रतिनिधि किए हैं, और समथिंग इतने ही मैं बोलूँगा कि अयोध्या में आज की अयोध्या ये हमारी फिल्म है। इसका टाइटल आपके जहन में कैसा आया टाइटल के बारे में? देखिए इसकी फिल्म का टाइटल हमारे नरेश दूधानी, जब हम लोग ने स्क्रीन प्ले लिखना चालू किया तो उन्होंने बोला कि पहले इसका टाइटल रखा था अयोध्या में लंका, तो काफ़ी हम लोग को अच्छा नहीं लगा, फिर हमारे नरेश साहब ने बोला कि आनंद जी इसका आज की अयोध्या अगर फिल्म को अगर ऐसा रखा जाए, क्योंकि ये बहुत अलग है, बाकी हमारे नरेश साहब बताएंगे आप लोग को कि क्या है क्या नहीं। जी नरेश, थैंक यू। ये आज की अयोध्या नाम सुन के सबको पहले तो एक वर्ड आएगा राम राज्य, हर एक की नज़र में है कि अयोध्या जहाँ बोलो आप तो राम राज्य याद आता है। मैं कहता हूँ क्यों हम अयोध्या को राम राज्य से ही जोड़ें, आज की अयोध्या एक विलेज भी है, एक शहर भी है जहाँ पे हमें तरक्की भी चाहिए। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर को हटा के अगर आप बात करो तो वहाँ पे लोग भी रहते हैं, लोग भी बसते हैं, सो आज की अयोध्या एक शहर कैसा होना चाहिए मैं वो दर्शाना चाहता हूँ इस पिक्चर में। हम न राम राज्य की बात करेंगे न सत्या राज्य की बात करेंगे,
ये सिर्फ सतत विकास की राज्य सतत विकास की बात है। कहीं कहीं जो टाइटल है नाम है कहीं ना कहीं मतलब हिंदुत्व का प्रतीक नाम है। तो क्या लगता है आपको मतलब हिंदुत्व विचारधारा से जो हटके लोग हैं आपको सबको मतलब ये हम ही हैं जो किसी भी एक चीज को किसी एक रिलीजन से या किसी एक व्यक्ति विशेष से जोड़ देते हैं। अयोध्या जरूरी नहीं कि एक हिंदुत्व का ही प्रतीक है, एक इंसानियत का प्रतीक है। राम जी क्या सत बताते थे? राम जी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ हिंदुत्व फैलाओ। राम राज्य का मतलब है वहाँ वो राज्य में जो रहते हैं सबको ही आप एक सस्टेनेबल सपोर्ट दो, सबके लिए आप प्रगति लाओ। एक आदमी के लिए प्रगति नहीं लाओ जो उस गांव में है, सबके जात पात छोड़ के। सो अयोध्या को आप अगर हिंदुत्व का प्रतीक ही कहोगे, मैं नहीं मानता हूँ। मेरे लिए आज की अयोध्या इसके लिए है कि अयोध्या एक ऐसा शहर है जिसे हमें आगे लाना है, राम मंदिर को बाजू रख के। जी इस फिल्म की लोकेशन शूट की बात की जाए तो आज मुंबई में शूट हो रहा है जी, और कहाँ कहाँ पे आपके प्लानिंग है शूट करने की? ये मैं हम लोग बनारस में कर रहे हैं। बनारस के पास एक चौबेपुर गांव है गाजीपुर के पास, मैं वहाँ पूरे में विलेज का मैं शूट कर रहा हूँ मैं, और कुछ पोर्शन लखनऊ भी मैं कर रहा हूँ मैं। ये पूरी फिल्म मैं यूपी में पूरी फिल्म कर रहा हूँ मैं। नरेश जी और कुछ शेयर करना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर के आपके जहन में? मेरे जहन में बहुत सारी बातें हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आज ऑडियंस से कि आज की अयोध्या हम सिर्फ फिल्म नहीं बना रहे हैं, एक मैसेज भी दे रहे हैं, और एक एंटरटेनिंग मैसेज होगा। सिर्फ मैसेज भी नहीं होगा, एक एंटरटेनिंग मैसेज होगा। और मनवीर को हम लॉन्च कर रहे हैं तो सबके दिमाग में मनवीर गुज्जर का जो छवि है बिग बॉस की, मैं कहने वाला हूं कि आपको उसकी पूरी विपरीत छवि दिखने वाली है। सो आज की अयोध्या ये देखिए, बहुत सारी नई चीज़ें देखने मिलेगी। थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट। ती है सब लोगों का आशीर्वाद, सब लोगों की दुआएं चाहिए कि ये पिक्चर लोगों अयोध्या ध्यान में आया तो इन्होंने जोड़ा हिंदुत्व। मनवीर गुर्जर तो ध्यान में आया कि हरियाणवी एक्शन यंग मैन, श्रद्धा दास अ स्वीट लिटिल गर्ल। सो अगर जी हम तीनों को मिश्रण कर लें तो क्या बनेगा वो आज की अयोध्या है। एक्चुअली हम स्टोरी जानना चाह रहे हैं, ये तो अलग अलग स्टोरी रिवीलिंग। सर स्टोरी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, बाकी आगे स्क्रीन पे आके देखो। थैंक यू सर, हम बेस्ट जानना चाह रहे हैं।